हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू सम सैंड आर्ट पिक्चर्स। ठीक है, आज हम रेत से कुछ पिक्चर बनाने वाले। तो देखते हैं, हम ये पिक्चर बनाने के लिए टेम्पलेट ले रहे हैं। ये पहले से ही मुझे मार्केट में मिला था, क्राफ्ट में। मैंने ये क्राफ्ट के लिए लिया था। आप भी स्टेशनरी से ये परचेज कर सकते हो। इसमें ऑलरेडी स्टिकर्स लगे हुए हैं। आपको क्या करना है, ये जो कलर सैंड है, ये खाली आपको जो कलर इसमें करना है वहां पे स्टिक करना है। तो ये एक्टिविटी बच्चों के लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये बच्चों का कंसंट्रेशन और उसका पेशेंस, उसका धैर्य, ये चीज बहुत बढ़ाता है। और ये जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, उनके एनर्जी लेवल को चैनलाइज करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए, आप अगर हमेशा बच्चे को पढ़ाते रहेंगे तो बच्चे को कभी भी मन नहीं करेगा पढ़ने का। बीच बीच में आपको ये क्राफ्ट एक्टिविटीज करवाने चाहिए जिससे बच्चे भी थोड़े से क्रिएटिव बने और उनके अंदर की क्रिएटिविटी भी बाहर आए। तो थोड़ा सा मैसी हो सकता है, बट आप अगर मिल के करेंगे तो इससे बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट लेंगे, उनका फाइन मोटर स्किल डेवलप होगा और इससे उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा डेवलप होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये सबसे पहले मैंने क्या किया, ये स्टिकर को निकाल दिया। ये देखिए, इसमें स्टिकर लगा हुआ है, तो ये मैंने स्टिकर को निकाल, ये देखिए इस तरीके से स्टिकर के ऊपर का कवर मैंने निकाल दिया। तो अब क्या हो गया कि इसमें ये दोनों का ही मैं इसी तरीके से स्टिकर का पूरा कवर मैं निकाल दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। जब हम इसका स्टिकर का कवर पील करेंगे तो हमको एक बात का ध्यान रखना है, ये बिकॉज जिराफ इज ऑलवेज कलर्ड एज ए मोजाइक, है ना। जिराफ का ऐसा रहता है कि थोड़े बॉडी में उसका ऐसे मोजाइक पैटर्न का कलर रहता है। तो हमको ये जहां जहां पे इस तरीके का बना हुआ है हम वहां पे पील नहीं करेंगे, और बाकी जहां पे हमको सबसे पहले जो कलर डोमिनेट कर रहा है, कि सपोज हमको येलो करना है, तो वो हम पहले कवर को उतार देंगे। सो लेट स्टार्ट। सो टिट्टू, आई एम डूइंग दिस, यू विल डू दैट। ओके, इसको मैं कर रही हूँ, आप उसको करोगे। सो लेट स्टार्ट विथ येलो कलर। अच्छा, आप भी यही करोगे? हाँ ठीक है, आप उसको करो। अच्छे से आप येलो कलर इसमें डाल दोगे। माई डूइंग दैट, ये देखिए जिराफ हमने पूरा येलो कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा कलर है उसको एक प्लेट में हम इस तरीके से निकाल लेंगे, लाइक दिस, जिससे हम उसको दोबारा यूज में ला सकें। देखिए, ये एक्स्ट्रा कलर मैंने प्लेट में निकाल लिया है। हियर, गिव मी दिस। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका जो ये मोजाइक वाले जो पोर्शन है, यहां पे जो स्टिकर के कवर है वो निकाल देना है, लाइक दिस। ये देखिए मैं निकाल रही हूं, ये देखिए
इस तरीके से इसे हम निकाल के पूरा अलग कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके मोजाइक में से मैंने पूरा कवर निकाल दिया है। अब आपको क्या करना है, इसमें नेक्स्ट मैं ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ, लाइक दिस। अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और इस तरह की अगर एक्टिविटीज बच्चे करते हैं तो वो बहुत देर तक ऑक्यूपाइड रहते हैं, और ये हम पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि बच्चे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी स्किल बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है। यहाँ पे कुछ ट्रीज हैं, वो ट्रीज को छोड़ करके मैंने किया, वहां पे मुझे ग्रीन कलर करना है। अब मैं इसमें से भी बाकी के कलर्स को निकाल लूंगी, तो निकालने के बाद देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखता है। अब इसके बाद हम टेल निकालेंगे, इसका टेल, ये देखिए टेल निकाल दिया इस तरीके से, टेल भी हमने निकाल लिया। अब ये टेल और ये माउथ में मैं ये एक कलर ही देने वाली हूँ, ये कुछ डार्क ऑरेंज टाइप का है ये कलर। ओके, हाँ तो हम इसको टेल में देंगे, टेल और माउथ। ईयर में भी हम यही कलर देंगे, सेम सेम कलर फॉर ईयर आल्सो। अब इसको भी उसी प्रकार हम कलर को निकाल देंगे। अब हम इसका आईज का भी निकाल लेंगे, और उसके बाद उसमें हम ये कलर दे रहे हैं वायलेट टाइप का, डार्क वायलेट। ये नोज में भी थोड़ा सा डाल देंगे, और इसमें भी एक्स्ट्रा कलर को हम निकाल देंगे। अब जो लास्ट बचा वो है ये पीछे के ग्रासेस, इसके भी हम ये स्टिकर कवर निकाल देंगे, इसको भी थोड़ा आराम से निकालना है। ये स्टिकर कवर मैंने इसमें निकाल दिया, ग्रास के लिए हम ये ग्रीन कलर यूज करेंगे, ये लो बेटा ग्रास के लिए, पीछे के ग्रासेस का। हम इसके बदले खुद से भी घर पे टेम्पलेट बना सकते हैं, और ये कलर्स में हम रंगोली का यूज कर सकते हैं, जो जनरली हम अपने ट्रेडिशन में ये सब जो फेस्टिवल वगैरह में हम रंगोली डालते हैं, तो उससे भी हम इजीली घर पे ही ऐसा टेम्पलेट बना के कर सकते हैं। हम ग्रीन का भी एक्स्ट्रा कलर निकाल के रख देंगे, जिससे बाद में काम आ जाए। ये देखिए, हमारा ये सैंड आर्ट का जिराफ रेडी हो गया है। होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा, ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो इस तरीके से आप घर में रंगोली का यूज करके बच्चों के लिए बना सकते हो। सो होप अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट जरूर लिखें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये जिराफ को आप अच्छे से देख लीजिए, कितना अच्छा बनाया टिट्टू ने। टिल देन बाय।